और फिलहाल अभी मैं घर पर नहीं हूँ। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ऑन किया अभी 7:30 के आसपास, तो भर भर के ये फोटो और वो नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जी की ओर से आया हुआ है, जिसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि आज बड़ी बैठक हुई है और मानदेय बढ़ोतरी कर दी करने के संबंध में सहमति बन गई है और चयन मुक्ति भी वापसी हो गई है। देखिए शुरुआत में ही मैं बता दूँ, खबर बिल्कुल सही है और बड़ी जीत यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और यहाँ पर प्रेम सिंह मीना जी जो है जो ICDS समाज कल्याण विभाग के जो है प्रधान सचिव है। देखिए बहुत सारे फोटोज यहाँ पर लोगों ने भेजे हुए मुख्यमंत्री जी के साथ, कई सेविकाएं यहाँ पर जो है वार्ता करने गई हुई थी और अचानक ये वार्ता की गई। यहाँ पर देख पा रहे हैं मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी जी भी है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही खबर है। मुख्यमंत्री का कार्यालय जनसंपर्क कोषांग प्रेस विज्ञप्ति है, यानी प्रेस रिलीज है और इसका लेटर संख्या है CM09 और 6 जनवरी 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, शीर्षक क्या है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ, छोटा मोटा नहीं, बड़ा तोहफा दिया गया है। अब ये तोहफा कितना बड़ा होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तोहफा का मतलब जो सबसे बड़ी मांग थी कि मानदेय बढ़ाकर 25,000 किया जाए, सेविका को सहायिका का 18,000 किया जाए, इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है कितना बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कितना लिखा गया है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भले ही मैंने वीडियो थोड़ी सी लेट बनाई है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि घर पर नहीं हूँ, इसलिए फेस कैम वीडियो भी नहीं बना पाया हूँ। लिखा गया यहाँ पहले पॉइंट में कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के दोनों के मानदेय में होगी सम्मानजनक वृद्धि। जी हाँ, वृद्धि निश्चित रूप से होगी लेकिन सम्मानजनक होगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 50,000 मांग लिया, 25,000 मांग लिया, वो कितनी होगी वो बाद की बात होगी। देखिए अब यहाँ पर लिखा गया, हड़ताल अवधि में चयनमुक्त की गई 10,000 सेविका और 8,000 सहायिका, यानी 18,200 के आसपास जो लोग हैं जिनको चयनमुक्त किया गया था उनकी वापसी होगी। अब देखिए ये फिलहाल बैठक में घोषणा कर दी गई है लेकिन ऑफिशियल ये जो है कहीं ना कहीं 100% अब जो है 8 जनवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग शाम 4 बजे होगी उसमें घोषणा हो जाएगी। देखिए आज पटना 6 जनवरी 2024 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अरण्य मार्ग स्थित लोक संवाद में बिहार राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याएँ मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। उन्होंने कहा कि आप सबने जो मांग की है, ध्यान सुनिएगा, आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। यही बात सरकार पहले नहीं मान रही थी, अब कह रही है वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं मानदेय हड़ताल अवधि में चयनमुक्त कर दी गई थी उनकी वापसी भी की जाएगी, यानी कि उनकी रिटर्निंग भी ली जाएगी। चयनमुक्त होने वाली सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, सेविकाओं सहायिकाओं का जो एक तरह से चिंता जो है वो काफ़ी कम हो गया है, उनकी वापसी होगी। अतः इस अवसर पर वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, समेकित बाल विकास सेवा ICDS के निदेशक श्री कौशल किशोर भी उपस्थित रहे थे। वीडियो में फोटो मैंने आप सभी को दिखाया था। देखिए ये जीत काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, अगर कार्रवाई के पहले हो जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन आप सभी को कहीं ना कहीं मालूम है कि बिना लड़े हुए कुछ नहीं मिलता है। इसी के संबंध में आप लिखा गया सम्मानजनक वृद्धि होगी। अब आप लोग कमेंट करके अपने अनुमान से बताइए कि मानदेय बढ़ेगा सेविकाओं का तो 6,000 से कितना ज़्यादा हो सकता है, और वापसी तो हो ही गई, अब बस इसकी ऑफिशियल कैबिनेट में पास होना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी, भले ही मैंने आप सबको धीरे धीरे जानकारी दी, जानकारी कैसे लगी कमेंट और लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।